अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक अपने घरों में आबाद रखे, खैर आफियत और सलामत के साथ ऐसी जगह से नसीब फरमाए जहाँ से गुमान भी ना हो। आज आपको दिखाना था बस कल संडे को जो था वर्क ओवरव्यू नहीं दिखाया था आपको, थोड़ा सा रिपोर्टिंग वगैरह तो आपको दिखाई थी। माशाल्लाह ये देखिए कैसे इस पर भर भर के माशाल्लाह हर सूट पे देखे हैं मलबेस शैतूत हमारे, ये देखिएगा हर जगह देखें पूरी स्टम पे आप देखिए माशाल्लाह। और बस कल बहुत संडे था तो माशाल्लाह आपको पता है इंशाल्लाह अब अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही इंशाल्लाह रमज़ान भी स्टार्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए खैर आफियत और बरकतों के साथ रमज़ान और मुबारक के जितनी खैरें हैं अल्लाह पाक वो सारी नसीब फरमाए, जितने शुरू हैं उनसे भी पनाहें रखे हम सब मुसलमानों को। आमीन सुनाएं। तो फिर मिनटा बाद में तो काम नहीं होंगे, हम कैसे रोज़ा रख के अपने टेरेस पे जा सकते हैं, धूप भी होगी और फिर रोज़े में पता है आपको कितनी वीकनेस भी फील होती है। तो इससे पहले ही अकलबंदी तो यही है, बस अल्लाह ताला से यही दुआ थी कि अल्लाह रोज़ों से पहले रोज़ों की तैयारी करवा दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने देखे अब ये हमारा सेफ हो गया, इधर से देखें ये ग्रीन नेट वगैरह लगा के तो हमारे प्लांट्स पे इतनी तेज़ धूप भी थी आप जानते हैं। इधर ये सब हमारे विंटर्स के फ्लावर्स हैं, ये आप देखिएगा, ये तो देखें इसका तो लीफ भी कोई एक आध नज़र आ रहा है माशाल्लाह, तो सारा वाइट हो गया आप देखिए। और ये पर्पल इसमें रेड भी है कलर, बस इसके जितने फ्लावर्स ऐसे हो जाए ना, ये देखिए हाँ ये स्पेंट हो जाए तो इनको हमें निकालना है, बस ये काम ज़रूरी है इसका करने का। तो फिर इंशाल्लाह भर भर के फिर प्लांट जो है वो अपनी नई बडिंग बनाने में लग जाता है, वरना वो सीड्स बनाने में ना वक्त गुजार देता है हमारा जो प्लांट है। ये देखिए हम इस तरह निकाल देंगे जो स्पेंट हो चुके, और दिखाती हूँ आपको इधर से माशाल्लाह इस शेड में बड़े मज़े से झूम रहे हैं आज, देखिएगा अल्लाह ताला ने हवा भी चलाई हुई है, देखिए हम इतने मज़े से हवा में झूम रही है हमारी ग्रीन नेट भी और सारे ये हैंगिंग प्लांट्स। और इधर देखें बस आप देखते ही रहते हैं, मगर जो भी मैं थोड़ा बहुत वर्क करती हूँ, आप कहते हैं ना कि हमें बताया करें आप कौन सा वर्क करती हैं, संडे को आप दिखाया करें, मैं इसी तरह बाद में क्लीनिंग के बाद जब ओवरव्यू दिखाती हूँ फिर आपके कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, हमें वो वर्क भी तो दिखाइए ना आपने किस अंदाज़ के साथ किया कि हम भी वैसे करें। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप्स जो हैं वो डालने लग गई हूँ, ये देखिए हमारा ड्रासी ना, आप इसकी ब्यूटी देखें ज़रा कि इसकी कितनी शूट्स नीचे से भी निकली हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये इसका देखें कितना खूबसूरत कलर इसका शाइन ग्लो कितना कर रहे हैं, इसका कलर पैटर्न चेक कीजिएगा। और ये वही हमारा सेकुलेंट, देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, ऐसे एक प्लांटर में है, सिर्फ एक कटिंग ही लगाई थी मैंने इसकी। और इधर से ये हमारे पेड़ वगैरह हैं ऊपर, और हाँ आपको ये भी दिखाती हूँ, ये किचन में ना हमारा एक वेस्ट था, ये क्या कहते हैं इसे रैक, इसमें सब्जी वगैरह प्याज वगैरह डाल, तो कल फिर मैंने इसमें देखिए ये कोलिस के दो कलर्स लगा दिए थे आप देखें, प्लांट थे ये कटिंग नहीं है, यानी मैंने इनमें प्लांट्स लगाए थे अपने प्लांटर्स में। और इधर टर्टल वाइन थोड़ी सी मैंने
लगा दी इस पर कंपोस्ट वगैरह डाल के, मिट्टी अच्छी भुरभुरी बना के। और इधर ये टर्टल वाइन है, और नीचे भी मैंने एक पॉट इसी तरह रख दिया, एक बाउल था ये भी किचन में से, देखिए आप। तो इसको इस कॉर्नर पे हमने ये देखिए आप शेड के नीचे रख दिया, ग्रीन नेट के नीचे। और ये भी कलर चेक कीजिए। अच्छा आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि इधर ये जो लाइन है ना, ये लाइन देखिए आप इधर, ये सब हमारे फ्रूट ट्री रखे हुए हैं, आपने गौर से देखना है, ठीक है। और ये कनेर वगैरह हैं, क्योंकि ये धूप के प्लांट हैं, आपको पता है ना। इधर भी ये देखें धूप के प्लांट है, ये सब ये चाइनीज ऑरेंज कनेर, और इधर बेर फ्रूट प्लांट्स आम है, ये सब आप चेक कीजिएगा कि किस अंदाज के साथ हमने ये ग्रीन नेट लगाई है। इधर जो है आपको कैसे मैं दिखा सकती हूँ, देखिए आपको नज़र आ रहा है ना गैप, तो उधर से हमने धूप छोड़ी है, हमने ग्रीन नेट को ना इस तरफ करके लगाया है कि इनके ऊपर हमारे प्लांट्स के ऊपर धूप आती रहे। कैसा लगा आपको? और इधर से भी हमने देखिए, आपको पता हाँ नज़र आए ना, इधर से भी गैप नज़र आ रहा है ना, दीवार से हट के है हमारी ग्रीन नेट, देखिए आप दीवार से हट के है, क्योंकि इधर हैं हमारे सन लविंग प्लांट्स, और ये शेड के नीचे हैं शेड लविंग प्लांट्स। कैसा लगा आपको? देखिए इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, फिर ही हमारी गार्डनिंग जो है वो सक्सेसफुली चलती रहेगी इंशाल्लाह। और देखें अब हम इधर बैठ भी सकते हैं चेयर लेके, ये हमारे वरना पूरे टेरेस पे बैठने को एक चेयर की जगह भी नहीं थी, अब हमारे लिए जगह भी बन गई है बैठने के लिए, ये आप देखिएगा। और इधर से आपको दिखाती हूँ, देखिए जिस चीज़ पे मेहनत करते हैं, अब आपकी चीज़ है आपको तो उससे मोहब्बत हो जाएगी। हमारे बच्चे हैं, जितना हम प्यार कर सकते हैं अपने बच्चों की, बुरी आदतें भी हमें हम प्यार में उनको डांटते हैं और अच्छी लगती है ना, तो अपनी जब चीज़ होती है तो वो सबको ही अच्छी लगती है। आपको पता नहीं कैसा लगेगा मेरा गार्डन, आप मुझे बताइएगा प्लीज़। इधर आप चेक कीजिए, ये सब हमने ऊपर इधर ये सन फेसिंग जो है एरिया, तो इधर हमने अपने ये सब रोजेज और ये बुगनविलिया, ये आप देखिएगा ये सब हमने इधर शिफ्ट कर दिए, ठीक है। ये सब रोज़ प्लांट हमारे देखिएगा, ये सब रोज़ प्लांट्स ये देखिए कितना खूबसूरत, कैना लिली और ये अनार आप देखें, अनार और माशाल्लाह ये हमारा हाइब्रिड रोज़ देखिएगा, कितना खूबसूरत लग रहा है ना माशाल्लाह इसका कलर भी। और ये देखिए माशाल्लाह इतना बिग साइज़, ये देसी रोज़ है हमारा, देखिए ये तो इतने फ्लावर, कल बस इधर उधर से प्लांटर किए तो काफ़ी जो है वो टूट के झड़ गए, आप देख रहे हैं प्लांटर में। और ये सब हमारे जो हैं ये रोजेस आप देखें, ये सब दिखाती को इधर से लेके इधर ये लास्ट तक, ये सब माशाल्लाह हमारे रोजेस हैं, पता नहीं कितने मैंने तो गिने माशाल्लाह, बस अल्लाह ताला बद करते हैं। और ये देखें कितने खूबसूरती के साथ इसमें से एक स्टॉक निकली है, ये क्या है, सेकुलेंट है ये भी, देखें कितना प्यारा इसमें से एक स्टॉक उधर भी रखा हुआ है, उसमें से भी इसी तरह निकली हुई है। ये हमारा मैक्सिकन पिटूनिया है, कैसे ये माशाल्लाह अब इसकी नई शूटिंग स्टार्ट हो गई फालसा। और ये है हिबिस्कस और शहतूत है, अमरूद, फालसा, आड़ू, माशाल्लाह जो नज़र आता है इधर, ये हमारे टमाटर हैं, चटूफा और चीकू प्लांट, देखिए छोटा सा चीकू नज़र भी आ रहा है, आ रहा है ना। ये देखिए ऐसे ही मैं कटिंग क्लीनिंग के दौरान जितनी कटिंग वगैरह टूट जाती हैं छोटी छोटी भी, इतनी से भी कटिंग वो भी मैं लगा देती हूँ। देखिए अब ये एक कटिंग टूट गई थी छोटी सी है, देखिए बोला ये भी मैंने इसमें लगा दी और माशाल्लाह ये सक्सेसफुली चल रही है, माशाल्लाह ग्रो कर रही है।
ये देखें इधर ये सब और कटिंग वगैरह हैं हमारी, कुछ लगानी है कुछ देखें ये अभी लगाने के लिए। इसी तरह फिर कल माशाल्लाह गेस्ट आ गए थे काम करते करते, फिर नीचे जाना पड़ा। इधर ये सब रिपोर्ट कर दिए थे हमने अपने, तो आपको प्लीज़ कम अज़ कम मेरी वीडियो को लाइक ही कीजिएगा प्लीज़, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। देखिए एक लाइक तो बनता ही है ना, आप लाइक ही कीजिएगा, शेयर भी करें ना, बताएं और अपनी फैमिली मेम्बर और जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी कहें कि मामाज़ गार्डनिंग चैनल को आप सब्सक्राइब भी तो करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये इधर से वही आपके फेवरेट पोलियसेस देखें, तो ये आप देखिएगा। ओके, कैसा लगा आपको प्लीज़ जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, ताकि मेरी जो है थकावट वो सुकून में खुशी में बदल सके। ठीक है, ओके, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।